हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि कल 14 दिसंबर को उत्तराखंड टेट का एग्ज़ाम हुआ था, जो आने वाली वहां पर वैकेंसी है स्पेशल एजुकेशन में, और साथ ही साथ नॉर्मल एजुकेशन टीचरों की जो भर्ती होने वाली है उसके लिए वहाँ की स्टेट सरकार ने ये एग्ज़ाम लिया था। तो दोस्तों, कल का एग्ज़ाम जो मैंने देखा है थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम है, और मैं यहाँ पर आपको पूरा ऑथेंटिकेशन प्रूफ के साथ ये पेपर सॉल्व कराता हुआ चलूँगा पैडागोजी का। अगर आपको ये पोर्शन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों अगर आप है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इसको अपनी दोस्तों के साथ हर जगह शेयर कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करना, मैं इसके मैथ ईवीएस के भी पोर्शन की वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको आसानी हो अपने मार्क्स मिलाने में और आपको ये हो जाए क्लियर कि आप पास हैं या नहीं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, चलो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही होती है कि आप उसको बायलिंगुअल पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ें, ताकि आपको आसानी होगी। क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपेंड्स हैवली ऑन, तो दोस्तों किस पर पड़ती है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टीचर से रिलेट करती है। अगर टीचर की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है तो दोस्तों वो तभी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो 4 ठीक है, यानी कि डी इसका ठीक आंसर है, डी। और दोस्तों इसके बाद दूसरे पे आते हैं, गेने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति है, अकॉर्डिंग टू गेने द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम इज, जो दोस्तों सबसे ऊपर जो हाईएस्ट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और सबसे लोवेस्ट है सिंगल लर्निंग। तो दोस्तों बी ऑप्शन जो है इसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कंडीशन, वो इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों इसका है बी। और अगले पर आते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग, मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे लर्निंग, ये किसने स्टेटमेंट दिया? तो दोस्तों इसका है स्कीनर, यानी कि सी इसका सही आंसर है। और अगले पे आते हैं, अभिभावक को क्या चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, नॉट इंटरफेयर इन द स्कूल एक्टिविटीज़, ये बिल्कुल भी नहीं आंसर है। इसका जो आंसर है वो है सी, पीरियडिकली डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ देयर चाइल्ड, अपने बच्चे की जो भी प्रोग्रेस है उसको समय समय पर डिस्कस करते रहना। और दोस्तों मैं आगे आता हूँ, विपरीत करने की योग्यता, एबिलिटी टू रिवर्स। दोस्तों एबिलिटी टू रिवर्स कौन सी स्टेज में नहीं है प्याजे के अनुसार? अगर आप चारों स्टेज के बारे में पढ़ते हैं, प्री सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो दोस्तों आप ये पाएंगे कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसके अंदर विपरीत करने की अवस्था बिल्कुल भी नहीं होती है। प्री ऑपरेशनल पर हल्की फुल्की स्टार्ट हो जाती है, मगर पूर्ण रूप से नहीं होती है। कॉन्क्रीट और फॉर्मल पर पूर्ण रूप से हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए, 5 का है दोस्तों ए। और हम आगे आते हैं, यूनेस्को के 21वीं शताब्दी के शिक्षा में उल्लेख, शिक्षा के स्तंभों में निम्न किस विकल्प को शिक्षा आयोग ने अपने सुझावों में सम्मिलित नहीं किया है? तो दोस्तों जो इसमें जो सम्मिलित नहीं किया है वो है लर्न टू लिव टुगेदर, इसमें ये सम्मिलित नहीं किया है, बाकी सारे सम्मिलित किए हैं। अर्न करने के लिए भी किया हुआ है, जानने के लिए सीखना, और कुछ करने के लिए सीखना। तो दोस्तों ये थे 6 क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं इनके ऑप्शन आपको यहाँ पर बताता हुआ चलता हूँ, इसका था ए और इसका था दोस्तों सी, ठीक है। और अब आते हैं दोस्तों 7 क्वेश्चन के ऊपर, अध्यापक अभिप्रेरणा का स्तर निर्भर करता है। तो दोस्तों कहाँ निर्भर करता है वो मैं बताता हुआ चलता हूँ, लेवल ऑफ टीचर मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन, विद्यार्थियों और व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता, इसका बिल्कुल भी देख लेते हैं यहाँ पर, हाई सैलरीज ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑफिसर लाइक स्टेटस बिल्कुल भी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ये जो है इसका डी ऑप्शन ही ठीक है, डी 7 का डी ठीक है। हम आते हैं 8 क्वेश्चन पे, यानी कि 8वें पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द पर्सनैलिटी। तो दोस्तों सभी को पता है कि सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर और इमोशनल फैक्टर, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, संवेगात्मक कारक, सभी डिपेंड करते हैं। तो इसका भी जो है वो डी आंसर ठीक है। अच्छा दोस्तों 9th क्वेश्चन पे आते हैं, 9वें पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों वृद्धि और विकास दोनों अलग तथ्य हैं, दोनों दोस्तों ये दोनों जो वृद्धि है वो विकास में निहित है, और वृद्धि विकास का एक भाग है, ये ठीक है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से रहती है। दोस्तों जो ग्रोथ है वो 18 तक रुक जाती है, ग्रोथ का जो हम रिलेट करते हैं वो क्वांटिटी से करते हैं, यानी कि हाइट वेट से। तो दोस्तों जो 18 साल की उम्र होती है वहां तक रुक जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, इसका होगा दोस्तों आंसर बी, 9th का है बी।
और दोस्तों हम आगे आते हैं बुद्धि के उस प्रकार को पहचानिए जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। दोस्तों हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का फॉर्मूला दिया था, उसमें इन्होंने फ्लूइड इंटेलिजेंस को नहीं बताया था, बाकी स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस सभी तरह की इन्होंने 8 भाषाएं दी थी। तो इसका जो है वो ए आंसर है, यानी कि तरल बुद्धि सिद्धांत गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब दोस्तों हम आगे आते हैं जो है उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे अधिकांश इतिहासकार विशेष शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर स्पेशल एजुकेटर को आना चाहिए। जीन मार्क इटार्ड इनका नाम है, यहाँ पर पूरा नाम लिखा है, जीन मार्क गैस्पार्ड इटार्ड, ए जो है इसका राइट आंसर है, 11वें का है दोस्तों ए। और हम आगे की तरफ आते हैं तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन जो है, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारियों के लिए यूएन सम्मेलन कब हुआ। दोस्तों ये बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है 13 दिसंबर 2006, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। और मैं आगे की तरफ आता हूँ तो 14 जो क्वेश्चन है, उस स्थान को पहचानिए जहाँ अलियावर जंग शरण बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है। दोस्तों अलियावर जंग जो है वो हियरिंग हैंडीकैप बच्चों के लिए असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड करता है और उनके लिए स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसके जितने भी रीजनल सेंटर है वो कोलकाता, नई दिल्ली, भुवनेश्वर में है, चंडीगढ़ में इसका कोई भी रीजनल सेंटर नहीं है। तो दोस्तों इसका जो है बी आंसर इसका है कि चंडीगढ़ में इसका रीजनल सेंटर नहीं है। दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है। दोस्तों उपलब्धि परीक्षण ये होता है जिससे हमें कुछ चीज़ पता चलती है, उसकी स्किल पता चलती है, उसका लैंग्वेज स्किल्स पता चलती है, एनालॉजी पता चलती है, सादृश्य। डायग्नोस्टिक में हम क्या करते हैं, उपलब्धि नहीं पता चलती, हम उसके अंदर जो भी कमजोरी कमियाँ हैं वो पता चलती है। तो दोस्तों इसका जो है ए राइट आंसर है। और अब आगे की तरफ आते हैं, पढ़ाई में पिछड़े हुए बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा। तो दोस्तों इसका जो है वो डी राइट आंसर है, डी होगा यानी कि लवेबल होगा, हम बच्चों को प्यार करेंगे, स्नेहपूर्ण वाला होगा। और हम 17वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बच्चे के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन पढ़ेंगे आप, अधिकृत सुरक्षा प्रदान करना, बच्चे की अन्य बच्चों के साथ नियमित रूप से तुलना करना बिल्कुल भी नहीं, घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना और योग्य अध्यापकों के साथ व्यस्त रखना। तो दोस्तों व्यक्तित्व और माता पिता का क्या रोल है, तो माता पिता जो है वो एक सेफली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो दोस्तों इसका सी आंसर ठीक है 16वें का। हम आते हैं 17 क्वेश्चन पे, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षा से संबंधित नहीं है। बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम की प्रकृति तथा सीखने के अनुभव, विषय सामग्री में महारत हासिल करना। सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षा से संबंधित है, तो दोस्तों जो शिक्षा को जो प्रभावित करता है इसमें बी और सी दोनों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। तो आप आसानी से यहाँ पर देखिए कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों शिक्षक से जो संबंधित नहीं है वो है बैठने की उचित व्यवस्था, क्योंकि बाकी सारे विषय सामग्री हमारा हासिल करना टीचर को आना चाहिए, पाठ्यक्रम की प्रकृति अथवा सीखना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप अगर पढ़ेंगे तो दोस्तों इसका ए आंसर जो है वो ठीक है, बैठने की उचित व्यवस्था शिक्षक के हाथ में नहीं है और ये जो वहाँ का जो निज़ाम है, जो वहाँ की सरकार है वो ये चीज़ें देखती है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है इसका तो बिल्कुल सभी को आता होगा, बी आंसर है इसका, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया। शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है, दोस्तों शारीरिक विकास जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है पूर्व बाल्य अवस्था में, इसका जो है ए आंसर सबसे ठीक है ए। आगे आते हैं दोस्तों, कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है, तो दोस्तों इसका सी आंसर है, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर। तो आगे आते हैं दोस्तों 21वें का जो है आप यहाँ पर देख लीजिए, प्याजे का सिद्धांत संबंधित है बालक के संज्ञानात्मक विकास से, इसका सी आंसर जो है बिल्कुल ठीक है सी। और आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों जो परसेप्शन है वो इसका सही आंसर है, यानी कि डी, 22 का डी। और 23 का आते हैं, मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया के शैक्षिक पद है, तो दोस्तों इसके सभी इसके राइट ऑप्शन है, तो 23 का हो गया दोस्तों डी। आगे की तरफ आते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ, अभिप्रेरणात्मक चक्र के प्रमुख क्रमिक कदम क्या है, तो दोस्तों इसका भी डी आंसर है, ड्राइव, नीड, इंसेंटिव सभी होता है और जो भी अभिप्रेरणात्मक करे प्रमुख क्रमिक कदम है ये। आगे आते हैं दोस्तों, प्याजे के ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था विजय पाने से, जो प्रथम अवस्था है वो है सेंसरी मोटर, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है ए, तो 25वें का दोस्तों ए आंसर है यहाँ पर। और आगे आते हैं दोस्तों 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है, आप यहाँ पर जान लीजिए, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल। दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम स्कूल में सीखते हैं,
और दोस्तों नॉन फॉर्मल वो सॉरी दोस्तों इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, और दोस्तों उसके बाद जो एजुकेशन आती है नॉन फॉर्मल दोस्तों वो होती है इग्नू या डीयू से अगर हम कोई डिस्टेंस से प्रोग्राम करते हैं। तो दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन का जो स्रोत नहीं है वो दोस्तों कक्षा शिक्षण में दी जाने वाली नहीं है, क्योंकि हम मित्रों से अभिभावकों से जो सीखते हैं वो नॉन फॉर्मल ही होती है, सॉरी दोस्तों इनफॉर्मल होती है। तो इसमें इसने ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल एजुकेशन कक्षा कक्ष वाली नहीं है, कक्षा कक्ष वाली फॉर्मल होती है, ठीक है। 27 पे आते हैं समानता के लिए शिक्षा, इसका डी आंसर है नेशनल एजुकेशन ऑफ पॉलिसी 1986। और 28 जो है दोस्तों यहाँ पर अधिगम करता हूँ द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करने पर अध्यापक को चाहिए, ये दोस्तों इसका जो ए आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करना, और आईक्यू का सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करता हुआ चलता हूँ। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों वो दिया था टर्म ईस्टर्न ने, और दोस्तों सर्वप्रथम प्रयुक्त यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो यहाँ पर आएगा वो आएगा बिने पे आएगा, और प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। और आगे आते हैं प्रयोग द्वारा सीखना, यह है कार्ल रोजर, प्याजे संज्ञानात्मक विकास, सिगमंड फ्रायड साइकोसेक्सुअल, और दोस्तों स्किनर का है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो दोस्तों ये सारी मैंने यहाँ पर इसका बता दिया आपको, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।